अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके थोड़े महीने पहले यह बात बताई कि आप अगर भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अगर आप नित्य 5 साष्टांग दंडवत प्रणाम करें तो जीवन में कभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। इट इज प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली एंड क्लिनिकली प्रूव्ड। ऐसी हजार बातें मेरे पास है कि हमारे महान ऋषियों ने हमारे सत शास्त्र में जो बात लिखी है इट इज एब्सोल्यूटली साइंटिफिकली ट्रू। तो ये श्रद्धा रखना, ये विश्वास रखना कि ये बात सही है तो जीवन में आपको बहुत काम में आएगी ये सब बातें। तो कभी फंडामेंटल्स को प्रश्न मत पूछना, भगवान कहां है, किसने देखे हैं। सी, ये वर्ल्डली बातें हैं इज फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। जो दुनियावी बातें उसमें सिद्धांत क्या है, फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। भगवान की बातों में है फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। बात ही अलग है, तरीका ही अलग है। तो दुनियावी बात का तरीका वहां कैसे जुड़ पाओगे। तो फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना। एक बार एक आईएमए में ऐसे ही बात कर रहा था, क्वेश्चनर हुआ तो क्वेश्चनर में किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप बात कर रहे हैं भगवान की लेकिन मैंने भगवान नहीं देखे, और पहले मुझे आप ये बताइए कि ये ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, श्रीमद् भागवत कब लिखा, किसी ने किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या प्रसंग था, ये बातें कैसे सही थी। मैंने बोला आप मुझसे उत्तर चाहते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला उत्तर के पहले मैं आपको आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप क्रिकेट खेले हो, आप में से किसी को पता है कि ये 3 स्टंप किसने नक्की किए। मैं भी क्रिकेट खेला हूं, हमने किसी ने ग्राउंड पे जाके प्रश्न नहीं पूछा। आप सब बुद्धिशाली हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे सामने अभी उंगली ऊंची करके बताए कि मैंने एक बार क्रिकेट के ग्राउंड पे जाके अंपायर को या मेरे कैप्टन को या अपोजिशन टीम को पूछा था कि ये 3 स्टंप तैर किसने किए, उसको नक्की करने की अथॉरिटी किसने दी, उसने 3 नक्की किए तो वो एक्सेप्टेंस करने वाली कमिटी कौन थी, उसका नाम आप मुझे दे, उसके बाद में क्रिकेट खेलूंगा। चलो उस वक्त बुद्धि नहीं थी, अभी तो है ना, मैंने बताई आपको, अभी कल जाकर पूछना। आप मैच चालू होने से पहले आप ओपनिंग बैट्समैन के रूप में बैट लेके अंदर गए और पूछो पहले मुझे ये 3 स्तंभ का इतिहास बताएं, ये 22 यार्ड की पीछे उसका इतिहास बताएं, ये बाउंड्री लाइन का इतिहास बताएं, फिर अगर मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आया तो ही मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो बाकी के खिलाड़ी क्या बोलेंगे, अलग अलग उत्तर आते हैं। बोलेंगे तो नहीं, अगर मेरा जैसा को तो बैट एक पीछे से मारेगा, चल बाहर। व्हाट आई मीन टू से, ये सिद्धांत याद रखना, अगर जीवन में कोई भी क्षेत्र में काम करना हो या आनंद लेना हो, सिद्धांत फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना, पद्धति को प्रश्न पूछना, सिद्धांत को मत पूछना, सिद्धांत स्वीकार लेना। उसी तरह भगवान का आनंद, भगवान की शक्ति का आनंद और भगवान के कर्तव्य जीवन में अगर महसूस करना है तो उनके अस्तित्व के बारे में कभी प्रश्न पूछना नहीं, पूछना, स्वीकार लेना, चलते रहना आगे आगे आगे, आपको सब कुछ दिखेगा। इन शॉर्ट, ऑन अ फाइन समर इवनिंग व्हेन इट इज क्वाइट हॉट एंड यू गो आउट फॉर एन आइसक्रीम विथ योर फैमिली, जब आप आइसक्रीम लेते हो, रिटेल काउंटर पर आपको आइसक्रीम दिया, तब आइसक्रीम वाले को ये नहीं पूछते आपके कौन सी गाय की कौन कैसे दूध में से ये आइसक्रीम बनाया, पूछते हो आप तो लॉजिक वाले हो, आप तो इंटेलिजेंट हो, और आप तो ये कहते घूमते हो कि एनीथिंग व्हेन माय वाइज एंड माय वॉच एंड माय होम्स एंड माय वैंस एंड माय होम्स आर सेटिस्फाइड तभी मैं कोई बात स्वीकार करता हूं, आप तो ये कहते हैं पढ़े लिखे हैं। तो आइसक्रीम के वक्त पूछना किसी, आई विल टच आइसक्रीम ओनली आफ्टर आई गेट अ प्रूफ फ्रॉम विच बफेलोज मिल्क इट इज मेड, ये तो कभी आपने पूछा नहीं। अगर पूछने रहते तो आइसक्रीम का आनंद नहीं ले सकते, हा या ना, पिघल जाएगा तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो कभी बहुत इतिहास सिद्धांत की चिंता मत करना, स्वीकार के आगे चलना, तो आप जीवन में समृद्ध बन जाएंगे। कैसे महापुरुषों ने बहुत
चिंतन करते करते ये अध्यात्म की सभी बातें बताई वो सही है, एक बार स्वीकार कर लेना, थोड़ा उस पथ पे चलना चालू करना, तो आपको आनंद भी आएगा, प्रतीति भी आएगी और प्रेरणाएं मिलती रहेगी। ये से आप समृद्ध बन सकते हैं।